وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आवाज पीछे मिल रही है अब अभी भी नहीं मिल रही है आवाज पीछे नहीं आ रही नहीं कोई साहब बोल रहे हैं कि नहीं मिल रही ऐसा करो कि ये दो चोंगा उधर घुमा दो वैसे पूरे मुल्क में पूरा मुल्क परेशान है सिर्फ दो से क्या बात है वाह अच्छी जगह तो शुरुआत की और जलसा भी डिस्टर्ब हो रहा है सिर्फ दो से दो इधर खड़ा कर दिया दो उधर खड़ा कर दिया जी सबसे पहले मैं मदरसा गुलशने मुस्तफा के अराकीन को मुआविनीन को और अपने मोहतरम असातिज़ा इकराम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद दूं ज़कात के पैसे खैरात के सिक्के उश्र का गल्ला और मुठिया के चावल से आपने रसूलुल्लाह के मेहमानों को पालकर दीन के मुबल्लिगों की फौज तैयार की माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात देखो बलियावी को बुला लेना बहुत कभी कभी आसान होता है तकरीर कराना आसान नहीं होता और मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी थमा दूं सही बात अरे भैया पीछे आवाज नहीं मिलेगी माइक वाले तो क्या होगा वो पीछे वाले कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है जबकि आवाज इतनी जोर की आ रही है हेलो हेलो पीछे वालों को शिकायत है माइक ऑपरेटर साहब कि पीछे वालों को आवाज नहीं मिल पा रही है लेकिन मुझे ये भी शिकायत है कि पीछे वालों की आवाज मुझ तक भी नहीं पहुंच पाई थी अच्छा ये जो लोग खड़े हैं हमारी ही बिरादरी के हैं क्या जी जी अगर मेरी बिरादरी को तो बैठ जाओ उलमाए कराम किसी जंगल से या किसी चिड़ियाखाना के आइटम नहीं है कि दूर से तमाशा देख रहे अब बोलो बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है कितनों का उठाए रखो स्टेज की क्या हालत है तब उठा लिए हो तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध के जिसका हाथ नीचे हो उसे गौर से देख लो कहीं ये आदमी कंफ्यूज तो नहीं है
जिसका नाम मसलके आला हजरत थे, वो कंफ्यूजों की जमात नहीं है, कन्फर्मों की जमात है। बेशक, क्या बात है, वाह 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 वाह। लगाओ दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आवाज में बुलंदी ला, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, बेशक ये ईमान और कुफर के बीच की पहचान भी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। अल्लाह खैर करे। भाई साहब बैठने का क्या नजराना लीजिएगा। इस वक्त मुझे बेपनाह खुशी है कि आपके हम सबके करम फरमा लीडर अली जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब अपनों में गैरों में यही फर्क है। जी बेशक, वाह। मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, काम बांटना पड़ेगा। जो इंतजामिया का काम है वो काम इंतजामिया करे, जो उलमा का काम है वो काम उलमा करे, इंशाल्लाह। जो अरबाब सियासत का काम है वो अरबाब सियासत करे, इंशाल्लाह। शिकवे हों तो बंद कमरे में बैठकर चौक चौराहों पर कपड़ा उतारने से आप खूबसूरत नहीं हो जाएंगे। बेशक, इसलिए आज बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी। मैं वो नहीं कि जन्नत की चाबी दे दूं, और माफ करेंगे जो लोग एजेंट लेकर जन्नत बेच रहे हैं उनकी अपनी गारंटी नहीं है। बेशक, सही भाई, बहुत तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म। शायरे इस्लाम असद इकबाल साहब, मौलाना यूसुफ रजा संभली, सैयद अफरोज मियां, ये मेरी जमात के आफ्ताब महताब मौजूद हैं। मैं भी सोचता था कि एक जन्नत खरीद ली, लेकिन मार्केट में कोई बहलोल दाना मिले तब ना खरीद। नारे गौसियत मसलके आला हजरत, नहीं नहीं दिक्कत ये है ना कि ये जो बीच में हाईवे है फोर लाइन का, बाबू आना है तो जल्दी आ जाओ बेटा। देखो बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है, स्टेज ढांसू हो तो माल निकल जाता है, अब मजमा अगर हसास हो तो तकरीर सुनी नहीं जाती, तकरीर देखी जाती है। बेशक, और ये भी दुनिया जानती है कि बलियावी का कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम के यहाँ से पाया हुआ माल है। सुभान अल्लाह, सुभान, रास्ता दे दो बाबू प्लीज, रख दो भैया, तुम्हारी उम्र छूट देने की नहीं, तुम्हारी उम्र स्कूल जाने की। बेटा जल्दी बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ कुर्सी। अब आने जाने का सिलसिला बंद करो, बिल्कुल फौरन जल्दी बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह फौरन बैठ जाओ। हो गया हजरत, हो गया, मैं तकरीर शुरू करूं? कोई नहीं आगा, आगा, कोई नहीं आगा। जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक।
यूसुफ साहब दावाई इश्क का पोल खुल गया। जी जी, मैंने अर्ज की दुरूद शरीफ पढ़ने की तो आवाज इतनी पस्त है जैसे लगे कई साल के भूखे हैं। जी जी, आशिकों की फेहरिस्त में नाम लिखाना बहुत आसान है। जी जी, लेकिन बिलाल जैसा आशिक बनकर जमाने में दिखाना ये आसान है। हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इसलिए जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वसलामन लेके या रसूल अल्लाह, मुझसे पहले आपने शायरी मसल के आला हजरत बलियावी किसी की मुंह देखकर न कभी बोला है न कयामत तक बोलेगा। हक हक हक, लेकिन स्टील की तरह जमाने की परवाह किए बगैर हम ठोक के रजा के मसलक का झंडा लेके तरन्नुम रेजी करें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, हक फरमा। उस पतले दुबले हिम्मत वाले शायर का नाम शायर इस्लाम असद इकबाल है। उलमाए जबील एहतराम का मजमा मौजूद है, थोड़ी देर के बाद इनके हाथों से फारगीन हुफाजों कुर्रा के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। हाफिज कुरान मौजूद है, अब बहुत तेरे वो मौजूद हैं जो मेहराबों में सुना चुके हैं, असातजा भी हैं तलबा भी। कल तक ये तालिबे इल्म थे, दस्तार के बाद ये तालिबे इल्म नहीं रहेंगे, मुअल्लिम होंगे। बस सिर्फ एक शेर, जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं, फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। आए हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। फजा में आयतें महक रही है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बिल्डिंगें रोज बनती है, तामीरात रोज होती है, कीमती पत्थरें दरो दीवार फर्श में खूब लगते हैं, लेकिन हाई टेक बिल्डिंगों में रोज कुरान की तिलावत हो गारंटी नहीं। ग्रीन नाइट मार्बल लगे कुरान की तिलावत हो गारंटी नहीं, लेकिन मुसलमान तेरे जकात के सिक्कों में कितना दम है। वाह 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 वाह, बोल सकते हो तो बोल लो, बोलोगे तो बोलो, अरे रंग में आके बोल जोर से, मुसलमान तेरी जकात के सिक्कों में कितना दम है, तेरे मुठिया के चावल में कितना पावर है, तेरे उश्र में क्या मजबूती है। आज पूरी दुनिया का कुफ्र, पूरी दुनिया का कुफ्र अगर किसी का पीछा कर रहा है तो वो मुसलमानों की हवेलियों की ऊंचाई का नहीं, मुसलमानों के बच्चों की औलादों के हुस्न का नहीं,
मुसलमानों के घरों में तिजोरियों में रखे सिक्कों का नहीं। आज पूरी दुनिया का कुफर अगर पीछा कर रहा तो सिर्फ दो का, एक का नाम इस्लाम है और दूसरे का नाम कुरान है। बेशक अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, मैं आ रहा हूं उसी तरफ जिस तरफ इस वक्त आपकी जरूरत है कि उस आईने को एक बार जरूर देख लें। लेकिन सुनने से पहले आपको यकीन दिलाना होगा, बलिया भी बोल रहे हो तो मैं वो नहीं हूं जिनको बाबा ने छोड़ रखा खेतों में। हमें कोई डराने की गलती नहीं करेगा। मालूम है कि मुफ्ती आजम के मतलब से वो देसी दवा लेके जेब में चलता हूं, एक गोली उतार दूंगा जबान के नीचे तो कम से कम 7 साल तक कभी मिर्गी नहीं आएगी। वाह 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 बहुत खूब, वाह 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 वाह। पूरी दुनिया का कुफ्र दो का पीछा कर रहा, एक इस्लाम का दूसरा कुरान। और ये इंडिया में ये जो कुछ दिख रहा, माफ करना, ये ओरिजिनल नहीं है, ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर है। असल हीरो अमेरिका, उसका वैलन इसराइल, दुनिया के कुफ्र को खूब पता है कि आज भी आसमान के नीचे जमीन के ऊपर इसराइल के मिसाइलों से प्लास्टिक का खिलौना समझकर खेलना फलस्तीन के ईमान वालों के बेटों की तारीख बनी हुई है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कुल बलियावी, उलमाए अहले सुन्नत। अब आप नहीं लगाएंगे, कोई बीच से एक हो तो खड़ा होकर ठोक दे कस के एक। इसका जोड़ा इस किनारे से लगा, आला हजरत, जन्नती जन्नती। जन्नतियों की ये जमात ही है। बेशक रिसर्च इस पर हो रहा कि पूरी दुनिया में गरीब मुसलमान, प्लीज ए बेटे ए, ये लास्ट है बलिया भी, इस मामले में बहुत बदनाम है, जलसगा से भी वापस हो जाता है। तवज्जो चाहो, उलमाए इकराम की दुआओं के साथ मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? यहाँ के बच्चे फिलिस्तीन, वो तो गुजर चुका। यानी इसका मतलब सिर्फ शरीर यहाँ है, बाकी कुछ नहीं। पूरी दुनिया का कुफ्र रिसर्च कर रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे गरीब मुसलमान, सबसे कमजोर मुसलमान, सबसे कम पढ़ा लिखा मुसलमान, मैं अपनी कौम के जिम्मेदार और गयूर जवानों से दो बात अर्ज करूंगा। बेवा की तरह भारत में रोना बंद करो, मजलूमों की तरह आंसू गिराना बंद करो। अरे जब पूरी दुनिया में 313 थे तब नहीं डरे, क्या बात है, वाह 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 वाह। जब पूरी दुनिया में सिर्फ 313 थे तब ना डरे। और बलिया भी तो दो टुक कहता है कि एक अल्लाह से डरने वाली कौम को बंदर और छुछुंदर से डराने की गलती मत करना। कहने वाह 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 वाह।
बांध रखा है मेरे आलिमों ने सब्र की रस्सी से। जिस दिन ये गांठ सरक गई उस दिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज हजरत कोई दिक्कत तो नहीं, तो एक बार बोल के बता दें या रसूल अल्लाह। या रसूल, अरे रंग में आके बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान, कमजोर मुसलमान, कम पढ़ा लिखा मुसलमान, और सबसे ज्यादा वाहियात खर्च है मुसलमानों के पास। सही बात। अब यहां रुक कर एक कड़वी बात कहना चाहूंगा असद भाई। एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। अकीदत कहती है कि चलो मदीना चले, लेकिन मुस्तफा की शरीयत कहती है कि हर साल मत जाओ। अकीदत कहती है कि मस्जिद का मीनार 200 फीट ऊंचा हो, लेकिन मेरी कौम की जहालत और मेरी बेटियों की जवानी का बोझ कहता है कि 200 फीट ऊंचा बुलंद मीनार बाद में देखना। अपने पड़ोस के गरीब बाप की बेटी की पहले रुखसती करा ले, फिर सोचना। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम दे दिया आपने, बहुत अच्छा पैगाम दे दिया, जवाब नहीं है। नमाजों की कबूलियत के लिए संग मरमर का होना जरूरी नहीं, सजदों की कबूलियत के लिए ग्रेनाइट का होना जरूरी नहीं। अमन नबी का इश्क सलामत है तो खेत में भी सजदा करेगा मेरा रब कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन दिक्कत कहां है, अकीदत के सौदागरों ने चादर में उलझा दिया। अकीदत के सौदागरों ने जन्नत का सौदा शुरू किया। अकीदत के सौदागरों ने मेरी नस्लों के जहनो फिक्र पर बांध बांध दी। लेकिन इस गांठ को भी खोलना हम उलमा की जिम्मेदारी है। इसकी परवाह मत कीजिए कि कौन हजरत नाराज होंगे, फिक्र इसकी कीजिए कि मेरी मिल्लत कहां जा रही, मेरी नस्ल हक है। एक से एक रोज पटाखे फूटते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी कड़वी दवा मैं भी पीऊंगा, आप भी पीएंगे। जरूरत है अपने जलसों का मिजाज बदलने का। सैलाब के पानी से खेती नहीं होती। गमले में गंदम की खेती करके खानदान नहीं पाल सकते हो। नस्लों की आसूदगी के लिए खेतों में खेती करनी पड़ेगी। अकीदत, हकीकत, जरूरत। जरूरत यह है कि मेरे घर के, मेरे मुआशरे का कोई बच्चा अनपढ़ न रहे। लेकिन हम मस्त हैं देख लुटाने में, हम मस्त हैं 3 लाख की चादर चढ़ाने में, और कुछ तो ऐसे चंद सिक्कों के दौलत पाने के बाद नशा में आ गए कि कुर्बानी का बकरा खरीदेंगे 5 से नहीं, 10 लाख का नहीं, 25 लाख का। अखबार में उस जानवर की तस्वीर जब तक छपे नहीं तब तक कुर्बानी हुई नहीं। माफ करना, तुमने दौलत की नुमाइश का काम किया है, रजाए इलाही के लिए कुर्बानी नहीं किया। बेशक बेशक। इसलिए दो चंद पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर थोड़ी देर आपकी तवज्जो चाहूंगा। पूरी दुनिया का कुफ्र पीछा कर रहा, इस्लाम का, कुरान का, इस्लाम का,
कुरान। एक माहौल क्रिएट किया गया, नैरेटिव सेट किया गया मदरसों में, टेररिज्म मदरसों में, दहशतगर्दी मदरसों में, आतंक है मदरसों में, नफरत मदरसों में, तफरीक है मदरसों में, जिहाद है मदरसों में, मुल्क तोड़ने की बात होती बलिया भी कहता अकल के तुवरो, तुम दो नंबर के हिंदुस्तानी हो, अगर एक नंबर के हिंदुस्तानी होते तो दिल्ली के उन दरख्तों को गिन लिए होते जिन दरख्तों पर आलिमों की लाशें लटक रही थी, और आजादी का फतवा किसी बाबा के मठ से नहीं निकला था, आजादी के जिहाद का फतवा इसी मदरसे से अल्लामा फजल हक हैदराबादी का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। लेकिन हमने कहां लाकर अपनी नस्लों को छोड़ रखा है? कब तक हम सियासी पार्टियों के भरोसे अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बनाएंगे? कब तक अपने बच्चों को विकलांग बनाकर रखेंगे? कब तक गैरों की बैसाखी का मोहताज रखेंगे? हम अपनी नस्लों को कब अपने पैरों पर खड़ा होने की लकीर खींचेंगे? और माफ करना, ये भी कड़वा सच है, ये भी कड़वा सच है, मेरे नबी के नामूस पर कोई पत्थर मारे पागल, यूनिवर्सिटियों से कोई प्रोफेसर नहीं निकलता, मेरे नबी की इज्जत से कोई खेले मस्त, किसी स्कूल से कोई लेक्चरर नहीं निकलता, मेरे नबी की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे, सेकुलर कहलाने वाली किसी सियासी पार्टी के लीडर के गले से एक आवाज नहीं निकलती। असद इकबाल साहब जी से दारे शरीयत तहरीके बेदारी में आपने थोड़ी सी कटिहार में झलक देखी। चार स्टेट में हमने अपने उलमा को इकट्ठा किया था, चार स्टेट के 750। कहां मेरी कौम ने हमारी इज्जत में कमी की जी, कहां कमी की? आज भी मेरे जवानों के दिलों में आलिमों की इज्जत इस कदर, जिनको उठना जल्दी उठो प्लीज, अब जल्दी जाओ, देर नहीं करो। देर न करो, जल्दी जाओ। बड़ी जंग जीतने के लिए 72,000 का लश्कर नहीं चाहिए, 72 हुसैन का गुलाम चाहिए। बेशक बेशक, वाह वाह। सुनोगे तो बोल दो, सुभान, ओए जोर से बोल दो, जोर से, जोर से, तवज्जो चाहो। मैं क्या कह रहा था, दिक्कत हो जाती है। मेरे जवानों ने मेरे आलिमों की कहां कदर नहीं की हजरत? आज भी मेरा आलिम अगर चारपाई से उठे तो ये मेरा नौजवान मेरे आलिम की जूती सीधी करने के लिए तैयार है, बेशक। आज भी मेरी गांव में, मेरे गांव में सिर्फ मालूम हो जाए मेरी कौम के किसी बेटी बहन को कि मेरे मस्जिद के इमाम ने खाना नहीं खाया है, तो आज भी मेरी माए अपनी औलादों के हक की रोटी आलिम को भेज देगी। आज भी ये वकार और इज्जत है। इसी एहतराम की दीवार को तोड़ने के लिए कुफर ने मंसूबा बनाया, आलिमों से दूर कर दो ताकि मजहब की छाप उतर जाए, मदरसों से दूर कर दो ताकि इस्लाम की रूह घायल हो जाए, आलिमों से इनको अलग कर दो ताकि शराब की मंडियों में नजर आवे, मस्जिदों के सहन में न दिखाई दे। तब बलिया भी दो टुक कहता है, तुम अपने जुल्म के बादल को जितना संवार लो, तुम अपने जबर के बादल को जितना संवार लो, जब तक मस्जिदों में वारिस अंबिया खड़ा रहेगा
और भारत में मदरसे सलामत रहेंगे, न मेरा भारत कभी खतरे में आएगा, न कभी इस्लाम खतरे में आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो लाऊंगा, और ये भी सही कि इस्लाम उसी वक्त लोगों पर हाथ डालता है जब इस्लाम के विरोध और मुखालफत में वो चरम पर पहुंच जाए। आप तो वोट दिए, काम खत्म। असद बाबू, ये भी एक इत्तफाक है, जब हम राज्यसभा में थे तो मोहतरम जनाब शफीकुर्रहमान बर्क साहब नहीं थे, और जब ये गए हाउस में तो मैं एमएलसी बन गया। आपको क्या पता है कि किस लोहे के किस तलवार के धार पे दौड़ना पड़ता है? चाय खानों में एक बिस्किट और तीन कप चाय लेकर भाषण देना आसान है, चीखते रह गए खान अब्दुल गफ्फार खान। लीडर पैदा करो, लेकिन हम पर तो ना जाने कौन सा सहर का असर है। हम खुद को मिटाकर गैरों को बनाने के लिए बेचैन रहते हैं। पूरी दुनिया के कुफ्र ने पंजा लड़ा लिया इस्लाम से। इस्लाम और कुरान दो को रोक लो, मुसलमानों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुसलमान तू है किस गलतफहमी में? मुसलमान सिर्फ एक काम कर दो तो 5 साल के अंदर इसका नतीजा दिख जाएगा। हजरत, एक घर में अगर 5 आदमी है तो 5 मोबाइल है कि नहीं, बोलो। अरे बोलो, है कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? एक मोबाइल का वो कौन चार्ज बोलते हैं? असद बाबू, रिचार्ज वो क्या बोलते हैं जिससे वो चलता है? फेसबुक वगैरह क्या बोलते? इंटरनेट, पता नहीं उसको, हमको तो नंबर भी सेव करने नहीं आता। डेटा पैक कम से कम 300। लेकिन महीने में कम से कम 300 में मान रहा हूं। एक घर में 5 मोबाइल, बाप के पास भी, बेटे के पास भी, मां के पास भी, बहू के पास भी। क्या नाश कर रखा है इस मोबाइल के डब्बे ने मेरी मिल्लत को? रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक मुस्लिम टोली के नौजवान चौक पर, चौराहे पर, सीढ़ी पर, छत पर लगे। मां अलग लगी, बाप अलग लगा, बेटा अलग लगा। एक घर में अगर 5 आदमी तो 5 तिहाई 1500 रुपया। अपने जमीन पर हाथ रखकर कभी अपने आप से पूछना, 1500 रुपया तूने डेटा रिचार्ज कराने में खर्च की पर मंथ, इसका नतीजा क्या निकला? इसका रिजल्ट क्या निकला? सुबह 3 बजे निकल जाओ तो सड़कों पर गैरों के बच्चे पुलिस की बहाली के लिए प्रैक्टिस करते। मुसलमान का बेटा सुबह 9 बजे उठकर सोकर उठेगा। तुझको होश में लाने के लिए किन किन बीमारियों को दवा दी जाए? सिर्फ नारा लगा लेने से अपनी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते हो। हर रोज बारात पर करोड़ों लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है। हद तो यह है कि खाने पर असद बाबू, रमजान शरीफ से पहले बलिया भी हिल गया है, हिल गया है।
मौलाना यूसुफ साहब आज भी वो रात और वो फोन याद आता है तो बलिया भी की आंखें बरस जाती हैं। रमजान शरीफ से पहले मौलाना मेरे मोबाइल पर तकरीबन 10 मरतबा 2 बजे रात को फोन आया। जब मैं गाड़ी में बैठा तो देख रहा हूं एक ही नंबर से 10 मिस कॉल। 2:30 बजे के करीब मैंने बैक कॉल किया, उधर से एक लड़के ने फोन उठाई और कहा कि हजरत सलाम अलैकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम, कौन बाबू? उस लड़के ने जवाब दिया, हजरत जो फोन किए थे अब वो दुनिया में नहीं रहे। मैं सोचते रहा या अल्लाह पता नहीं मेडिकल का हेल्प मांगने के लिए फोन किया था, मैंने क्यों नहीं तकरीर रोक के फोन उठा लिया। उस लड़के ने जवाब दिया, सुनो, उस लड़के ने जवाब दिया, हजरत आज मेरी बहन की बारात आई थी, अब्बू ने कर्ज लेकर बारातियों के खाने का इंतजाम किया था, 25-20 आदमी का खाना घट गया, खाना बनना शुरू हुआ, थोड़ी ताखीर तो होती ना। इसी बीच में लड़के के बाप ने मेरे वालिद को बोल दिया कि मुझे, मैं नहीं मालूम था कि मैं जिसके घर अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं वो इतना बड़ा भिखमंगा है। मेरे वालिद इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके, हार्ट अटैक हो गया। आप एक टेलीफोन कर दे हॉस्पिटल वाले, मेरे वालिद की लाश जल्दी दे दे। मैं पूछता हूं जमीर में जिंदगी हो तो बताओ मुझको, जिस कौम की लोगों का मिजाज ये हो कि सिर्फ दावतों पर लाखों करोड़ खर्च किया जाए, वो कौम बिरयानी का मजा तो समझ सकती है, इक्तदार और सत्ते का मजा नहीं समझ सकती। और जिस दिन ये कौम भूखे रहकर अपनी औलादों के हाथ में कलम थमाना जाम जाएगी, उस दिन इस कौम के बेटों को न कोई आंख दिखा सकता है, न कोई उंगली दिखा सकता है, न कोई वो गोल गोल घुमा सकता है, न उसके दिलों से नबी का इश्क खत्म कर सकता, न उसको कोई 2 नंबर की शहरी कहने की हिम्मत जुटा सकता। जब तक जाहिर रखोगे तब तक सियार भी तेरी औलादों को डराएगा। लेकिन अफसोस है, थोड़ी सी हट करके अपनी गुफ्तगू से एक तजर्बे की बात कर दो। एक बूढ़ा शेर था, बूढ़ा शेर बूढ़ा हो गया तो जाहिर सी बात है शिकार करने में भी दिक्कत। जब बूढ़ा हो गया तो उस शिकार पे बड़ी मुश्किल से निकला तो उसको गीदड़ों ने घेर लिया। जब गीदड़ों ने घेर लिया तो जवान शेरों की नजर पड़ी, और जवान शेरों की जब नजर पड़ी तो सारे जवान शेर इकट्ठा हो गए। तब उस बूढ़े ने कहा, मुझे क्यों बचा रहे हो इन गीदड़ों से, तुम तो शिकार करके तन्हा खा जाते थे, मेरे बुढ़ापे पर राम भी नहीं करते थे, तुम शिकार करके अकेले खाते थे, मेरे बुढ़ापे पर दया भी नहीं करते थे। तब शेरों के झुंड ने कहा कि गीदड़ों ने घेरा है, सवाल बुढ़ापे का नहीं है, बेशक सवाल बिरादरी का है, बिरादरी का है। क्या बात है, वाह वाह, सवाल बिरादरी का है। तो जंगल के दरिंदों ने बिरादरी की अहमियत समझ लिया, अल्लाह, और बलियाबी की गुफ्तगू में बिरादरी का मतलब शेख सैयद अंसारी मुगल तुर्क पठान नहीं है, बल्कि बिरादरी का मतलब इस्लाम है। इस्लाम की बिरादरी की अगर हो
तो जिस तरह वो एक दरिंदा होकर अपनी बूढ़े अपने बूढ़े की हिफाजत के लिए इकट्ठा हो गया, जरूरत है कि अपनी नस्लों के लिए इकट्ठा हो। बहुत अच्छा पैगाम दिया माशाल्लाह। मेरे अजीज, दुनिया का दस्तूर है, बहुत अच्छा पैगाम है, दुनिया का दस्तूर है। अकीदत ये कहती है हर साल तैयबा जाए, हकीकत ये कहती है कि मदीना जाने के लायक चेहरा तो बना ले, और जिसमें से जाना तो हर एक को आता है, कल्ब और रूह से जाना किसी किसी को आता है, और जब इस मंजिल पर फायज हो गए मेरे रजा तब पुकार पड़े जानो दिल होशो खैरत, सब तुम मदीने पहुंचे तुम नहीं चलते, सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। अब आंखें खोलो, एक 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 तारीख का हिस्सा देख लो। जब जब इस्लाम पर पूरी शिद्दत के साथ लोगों ने अटैक किया है, तब तब इस्लाम ने उन्हीं की हवेली से अपना मुहाफिज निकाल लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, और यूं मीडियम वाले को इस्लाम जल्दी घास नहीं डालता, वो पहले ढील देता है कि चढ़ बेटा देखता हूं कहां तक जाए, जहां तेरी आखिरी मंजिल होगी वहां से इस्लाम तेरा हिसाब लेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे जय जोगी जय पाल जब आसमान छूने लगा, तब गरीब नवाज ने अपने खड़ाऊन से कहा अब तू चल। क्या बात है, बोल दो बोल दो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बोलोगे तब बोलूंगा, झूम के झूम के। तवज्जो चाहो। अच्छा ये भी एक अजीब बात है साहब, जहाज तो चलते बर्क साहब, आपने देखा हमने देखा सबने देखा सब चढ़ते, लेकिन ऐसा जहाज जिसमें न पेट्रोल हो न डीजल हो न पायलट हो न इंजन हो, और मारक क्षमता इतना भयानक कि ढूंढ के मारे, और उस जमाने में न सैटेलाइट न खोजी कैमरा न कंप्यूटर कुछ भी नहीं, क्या सॉफ्टवेयर था मेरे गरीब नवाज के खड़ाऊ में। वाह 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 सुभान अल्लाह। बोल दे यार बोल दे जोर, काश ये गुफ्तगु कहीं मैं और की। क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह, बोलोगे तो बोलूंगा, जोर से बोल जोर से। क्या हेवी सॉफ्टवेयर था, तब बलिया भी कहता नबी की याल का तलवार जब डूंगी लकड़ी पर पड़ जाए तो आसमान से छुपे मुजरिम ढूंढ ले, आसमान में छुपे मुजरिम ढूंढ ले। बलिया भी कहता ज्यादा पागल मत बनो, भारत में अभी गरीब नवाज लेटा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, लेटा है। एक नया बवाल चल रहा है कि बलियावी ने क्यों कहा कि भारत से हमारा रिश्ता रोटी और सत्ते का बाद में है, तो मैं तो जानता हूं कि हमारे देश में जोकड़ ज्यादा बोलते हैं, पढ़े लिखे कभी कभी बोलते हैं। एक लफ्ज करबला बोल दिया तो सारे यजीदी बलबला गए। सही बात, बहुत प्रेशर पड़ा कि वापस ले लीजिए, मैंने कहा करबला वापसी की जगह नहीं है। जोर से जोर से, अरे जोर से और लहके। जब करबला से इतना डर लग रहा है तो करबला वाले आ जाएंगे तो कहां जाओगे। वाह वाह वाह, लेकिन मातम तो ये कि सबने अपनी तारीखें गढ़कर अपनी नस्लों को बता दिया, हमने अपनी सच्ची तारीख अपनी औलादों को नहीं बताया। सही भाई, हमने ये नहीं बताया है।
कि इस मुल्क की आजादी में उलमाए अहले सुन्नत ने क्या क्या कुर्बानी दी। गैरों की जयंती मनाने के लिए मेरी कौम के पास पेट्रोल भी डीजल भी। दिल्ली बोलो तो दिल्ली, लखनऊ बोलो तो लखनऊ, गाड़ी भर के जाएंगे, लेकिन ये तौफीक नहीं होती है कि चलो जरा अल्लामा फजल हक खैराबादी की तारीफ भी अपनी आए है। लेकिन असद भाई जब एमपी हुआ तो अचानक मुझको रमजान में चढ़ गया। मैंने कहा ढूंढेंगे पोर्ट विलियर में अंडमान निकोबार में अल्लामा फजल हक खैराबादी का मजार कहां है। सावरकर जेल पहुंचा तो लोगों ने पहले ये समझा कि मौली साहब आया घूम रहा, मौली साहब आया घूम रहा। और मैं भी गया था सावरकर जेल में तो लुंगी पहनकर, नहीं नहीं उनको क्यों समझाएंगे, उनका कोई कसूर नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जाहिर सी बात है वो आपके हैं, आप उनके हैं, आप हम सबके हैं। मेरे अगर ना होते तो इतनी रात को अपने उलमा के बीच होते। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ए बैठ जाए उठा। बस आखिरी गुफ्तगु का आखिरी हिस्सा। पूरी दुनिया का कुफ्र लगा है सिर्फ दो के पीछे, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। इसलिए कि कुफ्र को पता है कि कुरान के खिलाफ अगर प्रोपगंडा नहीं करेंगे तो कुरान वो किताबे मुबीन है कि पढ़ना तो दूर की बात, अगर सुन भी लेगा तो दिल बदल जाएगा। बेशक बेशक। बोल यार जोर से। सुभान अल्लाह। सुन लेगा तो दिल बदल जाएगा। इसलिए मदरसों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का नक्शा बना ताकि भारत की बड़ी आबादी के बच्चे मदरसों के करीब ना जाने पाए, भारत के बच्चे कुरान से दूर रहे, भारत के बच्चे कुरान करीम को किताब मार काट वाली समझे। लेकिन ये कुरान है कुरान। कुरान ने मुस्कुरा कर कहा तू नफरत करता, अरे जब तू बीमार पड़ेगा, जब किसी बाबा की दवा काम न करेगी, जब कोई एक्सरे और इंजेक्शन न काम करेगा, तो तेरे बाप मजबूर होकर मस्जिदों के दरवाजे लाएंगे और इमाम कुरान पढ़कर दम करेगा तब तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। वो भी रोज ये काम हो रहा। इसलिए मेरे अजीज आखिरी गुफ्तगु का आखिरी हिस्सा सुन लो। अमेरिका का एक क्रिश्चियनिटी का ब्रांडेड मुबल्लिग था, ब्रांडेड हेलेनी सैयद अफरोज मियां, करीब करीब 160 किताबें उसने इस्लाम के खिलाफ लिखा। कितनी किताबें जोर से बोलो। 160 किताबें लिखने के लिए सोचो उसने इस्लाम को कितना पढ़ा होगा। लेकिन इस्लाम ने छूट दिया, चढ़ते रह देखता हूं तेरी आखिरी हद कहां है। इसी रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में इस्लाम के खिलाफ 160 किताब लिखने वाला क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा हीरो कुरान पढ़ते वक्त कुछ ऐसी आयतों के करीब पहुंचा है जिन आयतों के जलवे उसकी रूह पर असर किए और रात के सन्नाटे में चीख कर बोल पड़ा, पूरी दुनिया में अगर हक और सच्चा मजहब है तो उस मजहब का नाम इस्लाम है, और कोई सच्ची किताब है तो उसका नाम कुरान।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और मैं ऐलान करता हूँ कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तुमने जिनकी तस्वीरें बनाकर पूज रखी है इनको हटा दो चर्चों में और ईसा मसीह की तस्वीर और मुजस्मे में निजात नहीं, मुस्तफा की गुलामी में निजात। सुभान अल्लाह। अब अमेरिका परेशान है कि इसको कितना पैसा दे दिया कि रातों रात बदल गया। अरे जब पैसा बांट के कर्नाटका ना बदलवा सके। ये मुल्क है हमेशा अच्छी बात सोचता है, थोड़ी देर के लिए नशा में हर कोई आता है। और इस भारत से किसी का लगाओ सत्ता का, रोटी का, रोजगार का, कंपनी का, कारोबार का हो सकता है यार। ईमान वालों का रिश्ता भारत से सिर्फ रोटी और मकान का नहीं, बल्कि जिस दिन मेरे नबी ने अपने ज़माने तर्जमान से कह दिया हिंद का नाम लिया, उसी दिन से ईमान वालों के दिलों में भारत की मिट्टी का एहतराम इतना ऊंचा हो गया कि मुसलमान अपनी सरहद भी बचाना जानता है, अपना मजहब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। तो अब आखिरी बात मैं पूछ लूं कि ये जहेज और बारात की जो फौज रोज जा रही है ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। धीरे बोल रहे हो, अरे जोर से बोलोगे तब ना, जोर से बोलो खत्म होना चाहिए जहेज की लानत की नहीं होनी चाहिए? तो इस मजमे में कोई ऐसा है बाप जिसका बेटा कुंवारा हो? इश्क का इम्तहान हो गया। मैं जान रहा हूं बेटा, बस जल्दी ही आएंगे सदर इकबाल साहब। अच्छा यहां जितने लोग बैठे हैं सबके बेटों का निकाह हो गया? इतने बड़े मजमे में कोई बाप ऐसा नहीं जिसका बेटा कुमारा हो? होए, खड़ा हो जाओ। छोटा है तो क्या हुआ, बेटा है ना तो बाद में बेचोगे, सौदा करोगे? ये है बाप जिंदगी के साथ खड़ा हुआ। कोई दूसरा बाप है? खड़े हो। तीसरा, चौथा, सुभान अल्लाह। इतने बड़े मजमे में ये सिर्फ चार हैं जिनके बेटे को, और पांच अंदाजा कर लो बेटा लो, पांच। कहीं ऐसा तो नहीं कि बकिया लोग जो बच गए हैं उनका बेटा ही नहीं है? अल्लाह, पकड़ गई तेरी चोरी, पकड़ गई तेरी चोरी। तुम जैसे लोगों के कांधे पर इस्लाम सरबलंद नहीं होगा। इस्लाम ढूंढ रहा उन फकीरों को, वाह, जिन फकीरों ने अपने कांधे पर न सिर्फ ये के इज्जत और वकार बचा रखा है, उन्हीं फकीरों की दुआओं के बल पर हम भी टिके खड़े पड़े हैं। बेशक। अभी मैंने आवाज दिया तो ये समझ लिए कि मौलाना बलिया भी फंसाएगा। माफ करना, स्क्रैप माल की कोई कीमत नहीं होती। और जब तक स्क्रैप रहोगे कचरे के रेट में खरीदे जाओगे, और जिस दिन मॉडल बनने की सलाहियत हो जाएगी ना उस दिन दुनिया तेरी कीमत नहीं लगा सकती। तो पूरी दुनिया का कुफ्र मिलकर इस्लाम और कुरान का पीछा कर रहा है, और इस्लाम मुस्कुरा कर कह रहा है
कि ना इस्लाम रुकेगा ना कुरान रुकेगा। जब 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 खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया तो इसी चाइना ने कुरान पर बैंड लगा दिया कि हमारे मुल्क में कोई कुरान नहीं पढ़ेगा, हमारे मुल्क में कुरान रखना देशद्रोह होगा। कानून बन गया, घरों से कुरान के नुस्खे निकाल लिए गए, जो हाफिज़े कुरान थे उन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया गया। लेकिन कुरान बचाने का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर ले रखा। सुभान अल्लाह। आसमान रब ने बनाया है लेकिन बचाने का जिम्मा नहीं लिया। रब ने जमीन बनाई है बचाने का जिम्मा नहीं लिया, लेकिन रब ने कुरान उतारा तो बचाने का जिम्मा रब ने खुद लिया। खिलाफत उस्मानिया के बाद जब लग गया बैंड, कोई कुरान नहीं पढ़ेगा, कुरान की तालीम देने वाले आशिकों का जत्था उतर गया। बच्चे खेल रहे हैं, इशारों इशारों में कुरान पढ़ाया जा रहा है। बच्चे बकरियां चला रहे हैं, इशारे इशारों में कुरान पढ़ाया जा रहा है। किसी ने बलियावी से पलट कर कहा कि इशारों में कुरान कैसे पढ़ाया गया। मैंने कहा यही तो कुरान का एजाज और मौजजा है कि जब नबीना अंधा 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है तो इशारों में कुरान तो अक्ल वाला आंख वाला क्यों नहीं। जी बेशक। सुभान। इसलिए डर लगता है लोगों को इस्लाम और कुरान से। तो जरूरत इस बात की है कि आप अपने बदन की एनर्जी को सिर्फ 3 काम के लिए इस्तेमाल कर दो। मत चढ़ाओ गरीब नवाज की महंगी चादर। माफ करना, इस जुमले पर अगर कोई मुझे सुले कुल्ली कह दे तो मैं हिसाब 7 खानदान का करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कि मेरे रजा का मसला कि ये नहीं है कि हकीकत पे न बात की जाए। मैं पहचानता हूं चेहरों को, जो ओरिजिनल चिश्ती है वो रजा के साथ है, और जो अहले तशा का साथी है वो अहले तशा। इसलिए बगैर किसी रियायत के तैबा जाने को जी चाहता है, लेकिन क्या तैबा जाने के लायक शक्ल भी बना रखा हुआ। मदीना जाने को दिल तड़पता है, क्या कभी सोचा कि वो कहां शहर रसूल। मुल्क तो कायनात का खालिक तो रब है, लेकिन अल्लाह ने कीमती शहरों की कसम नहीं फरमाया है, महबूब के शहर मक्का और मदीना की कसम फरमाया है। उस अजमत वाले मदीने की तमन्ना सभी करते हैं, हर ईमान वाले को करना चाहिए, और न करे तो खोटा है। लेकिन जाने से पहले अपने को इस लायक बना लो, जब इस लायक बनोगे तो जाने का मजा आएगा। जिंदगी में 2 हज फर्ज नहीं, 1 हज फर्ज है। हर साल उमरा जरूरी नहीं, 1 बार कर लो। उन्हीं पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। सुभान। बंद करो बारात ले जाना, मस्जिदों में निकाह करो, अपनी औलादों को पढ़ाओ। बंद करो वलीमा पर लाखों रुपया खर्च करना, खर्च कम करो, अपनी औलादों को पढ़ाओ। बंद करो लंगर लुटाना, अकीदत का इजहार मुख्तसर कर लो, उसी पैसे को बचाओ और पढ़ाओ। सबको मौका दिया तूने 75 साल, बलियाबी के इस मिशन का मौका दे दो सिर्फ 5 साल। अगर आपने इन जरूरतों को कुचल कर अपनी औलादों को पढ़ाना शुरू कर दिया तो 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश की मिट्टी बदले न बदले, हालात उस कदर बदल जाएंगे कि जो आंखें लाल करके मेरे बच्चों को डराते हैं उनके सामने मेरे बच्चे कलम की नोक लेकर खड़े हो जाएंगे और खड़ा होकर कहेंगे।
कि मेरे माँ बाप ने नमक रोटी खाकर मुझे पढ़ाया है, मेरे बाप ने मेरी जरूरतों को कुचल कर पढ़ाया है। हम दो नंबर के हिंदुस्तानी नहीं है, हम एक नंबर के हिंदुस्तानी है। मेरा हक तो नहीं दोगे तो मैं कटोरा लेकर भीख नहीं मांगूंगा, कलम की नोक से सत्ता का सीना चीर के हिस्सा ले। वाह वाह सुभान अल्लाह। इसके लिए जरूरत है हम अपने मदारिस के मुकद्दस उलमा से विनती करेंगे, पैर पकड़ के इल्तिजा करेंगे, लिल्लाह अब सदरुल फाजिल नहीं, अब सदरुल फाजिल नहीं, अब मेरे मुफ्ती आजम नहीं, अब मेरे ताजु शरिया नहीं है, जिनके रोब इल्मी रोब, तकवे का रोब, तसल्लुक फिद्दीन का रोब दिखाकर जमाने के हुक्मरानों को लरजा सके, हम बिनती और अपील करेंगे। अब घड़ी देखकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब जरूरत देखकर पढ़ाने की जरूरत है। इसलिए कि ये बोझ कल भी उलमा के कांधे पर था, आज भी उलमा के कांधे पर है, मुस्तकबिल में भी ये बोझ उलमा के कांधे पर होगा। और अगर इस जज्बे के साथ मेरी दरसगाहों में असातिज़ा बैठना शुरू कर देंगे तो मुझे वो दिन याद है कि इसी दारुल उलूम नईमिया में एक ऐसे भी शेखुल हदीस थे जिनका नाम अल्लामा मुफ्ती तरीकुल्लाह नईमी था। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि कलेक्टर और एसपी खड़ा है और हजरत बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं। जलाल ये है पढ़ाने का कि हिम्मत नहीं पड़ रही कि मुंह से कुछ बोल सके, जब तक वो अपना दर्श मुकम्मल न किए कर लिए तब तक वो खड़े रहे। गोया आज भी वो जिंदगी बाकी है। हम तय कर ले कि मिल्लत की इस मिट्टी को कौन सा खिलौना बनाना है, गुंगा खिलौना बनाना हो तो मिट्टी ही रहने दीजिए ताकि चीख न सके, और जबान वाला खिलौना बनाना हो तो वो बना दीजिए कि मसलक के लिए भी खड़ा हो जाए, मजहब के लिए भी खड़ा हो जाए, वतन के लिए भी खड़ा हो जाए। और ये काम मदरसे को ही करना पड़ेगा, किसी कॉलेज स्कूल से उम्मीद मत रखिए, इसलिए कि हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।